नमस्कार, उत्तर प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,809 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 6,584 संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रिकवरी रेट 79.96% हो गया है। अब तक 5,047 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। कल प्रदेश में 140,754 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 85,40,604 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कुल मामलों की बात करें तो प्रदेश में इस समय 65,954 संक्रमित मामले हैं, जिसमें से 34,119 लोग होम आइसोलेशन में हैं। यूपी में कानून व्यवस्था का मामला ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ताजा मामला गोरखपुर का है। गोरखपुर में दिन दहाड़े एक महिला और उसकी बेटी को बीच रास्ते गोली मार दी गई। लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल थी। मृतका की 18 साल की बेटी के सीने में गोली लगी है। रविवार को फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों ने यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर चर्चा की। मधुर भंडारकर ने कहा कि इंडस्ट्री योगी सरकार के इस फैसले से काफी खुश है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सिटी बनाने का ऐलान नौजवानों को बहकाने का हथियार है। राजभर ने कहा कि सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ऐसे बहकाना नहीं चाहिए। विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा ने भी कृषि विधेयकों को पारित कर दिया है। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया है। कांग्रेस ने कहा कि देश का किसान मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस बिल को लेकर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों व विपक्ष की आवाज का गला दबाया है। वह अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के लिए भारत की 2/3 जनसंख्या को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं अपना पतन पत्र पारित किया है। यूपी में बेसिक शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा लिया गया है। लॉकडाउन के चलते इस प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। सीएम के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के आदेश जारी। महिलाओं, दिव्यांगों, बीमारों व सैनिक परिवार की महिलाओं को दी गई विशेष प्राथमिकता। पारदर्शिता के लिए पूरी तरह अपनाई गई ऑनलाइन प्रक्रिया। सभी को शुभकामनाएं। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।